आज पीढ़ी हमारी थी यहाँ, पुअर मई किसानों की महिला ही नहीं थी। इनकी समस्या है तो आप गाड़ी के आगे खड़े हैं, सुनेंगे इनकी बात को। राम राम साहब, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जलको चुरू। तो आज आप पहुंचे हैं सुजानगढ़ तहसील में, अठे अभी अभी अशोक जी गहलोत है जगह, तो मैं कृषि कानून के विरोध के मैंने अठे सुजानगढ़ को दौरो करो है। इसकी परिकल्पना और इसकी मांग कई सालों से करी जा रही है, लेकिन आपने हमारी न्यूनतम मजदूरी की जाए आपसे बात नहीं देते। आप क्या समस्या है आपकी, क्या बात है? हमारा शोषण किया जा रहा है, वही निशान ड्यूटी लगा देते हैं। हम सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, एक रुपया नहीं दिया जाता। अरे आज बीड़ी हमारी थी यहाँ, पुअर मई किसानों की महिला ही नहीं थी, सब काम करा की औरतें थी सब। मैं ऊपर से दबाव भी था, महिला बाहर आ गए, आप आओ ना पार्टी आ रही है, आप जाने हम आए नहीं तो नहीं आते। क्या कहना मैडम आपको, क्या कहना इनकी समस्या में लेकर? शोषण किया हमारा। आप देखो कहीं भी हम कहीं भीड़ इकट्ठी होती है महिला का एक महिला के दर्द को आप महिला समझ सकती है? कोरोना काल में सारा काम लिया है और मैं पोषण कहाँ हमारा ही। एक मिनट बाहर आ रही मैडम, बाहर आने दो, बाहर आने दो। चलो ये यहीं से बता दो, यहीं से बता दो। कोई बात नहीं, आप बोलिए हमारे मेरे गाँव में, आप शब्द हमारे लिए बोलिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ और सीएम साहब को सही रूप में पेश करेंगे आपकी समस्या। अगर आपकी समस्या आई तो मैं ममता भूपेश को भी कहूँगी कि बहन आपने बुलाया था तो आपको मिलना चाहिए था। नहीं, मैं बात करूँगी, मुझे मालूम नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं है कि आप लोगों को बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन मैं कहूँगी। मैडम लंबे समय से इनकी समस्या चलती आ रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, केवल राजस्थान में ही नहीं चल रही। मैडम बजट में हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, आपको मैं बताऊं, और काम का भार इतना दे दिया है, ऑनलाइन हो गया तो तुरंत मोबाइल पर भेज देते हैं, ये काम करो नहीं तो हटा दिया जाएगा, ये हमारे को और मान दे देकर हमारा अपमान किया जाता है। आप अपनी समस्या लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं आपको राय देती हूँ, मैं आपको राय देती हूँ। हमें स्टेज तक जाने ही नहीं दिया। मैं एक बात कहूँ, मेरी बात सुनिए, इस तरह की भीड़ और इस तरह की मीटिंग में आपका मिलना यथाउचित नहीं होता। आप अपनी बात करेंगे, एक दिन सब बहने सीएम साहब से वक्त मांगो, वो इतने सिनेमा इंसान है, वो आपको समय जरूर दे। आप हमारे माता पूजनीय है, आप ही हमारी बात वहाँ तक पहुँचा। नहीं, मैं एक बात कहूँ, मैं आपकी बात को ममता भूपेश से कहूँ, मैं जरूर
बात करते हैं उनसे। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मंत्री ममता भूपेश से मिलाने के लिए बुलाया गया था और भीड़ जुटाने का जो काम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके किया गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता, सब अपने काम के लिए आते हैं। आज तो भीड़ हमारे दिवंगत नेता मास्टर मोहनलाल जी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने की थी और साथ ही साथ हमारे देश का किसान जो आज इतने दिनों से लाचार और परेशान है और हम लोग भी उनकी है, लेकिन ये अंधी बेरी और गूंगी सरकार कोई बात नहीं सुन रही, हम उसका विरोध करने के लिए। ये जो लोग आए हैं आशा सहयोगिनी ये आपसे बात कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? मैडम ये आशा सहयोगिनी ये कह रहे हैं कि आपसे मिलाने के लिए उनको यहाँ भीड़ के रूप में इस्तेमाल करके बुलाया गया। मेरी जानकारी ये कह रहे हैं आशा सहयोगियों के साथ लाभार्थी मेरी जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ मेरी जानकारी में? तो इनकी जो समस्या है या कुछ सुनेंगे आप? चलो इनकी समस्या है तो आप गाड़ी के आगे खड़े हैं, सुनेंगे इनकी बात को? इनकी प्रतिनिधि मंडल से जयपुर में हमने बात कर ली कई दौरों पे और वो संतुष्ट है, उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि वो संतुष्ट है सभी बातों से, तो फिर और क्या बात करें बताइए। मैडम हम संतुष्ट कहाँ से है, 2.5 घंटे का बजट सुनाया था लेकिन महिला बाल विकास या आंगनबाड़ी वर्कर का कुछ भी नाम नहीं लिया। हम 12 महीने से अटकते हैं कि बजट आएगा हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिला। फिर 12 महीने का गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का रखी 1500 रुपये कार्यकर्ते के बढ़े, वो अभी तक 12 महीने हो गए अभी तक नहीं आया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जन नेता यहाँ के स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के सुपुत्र मनोज कुमार मेघवाल से निवेदन करूंगा कि आप सभी यहाँ पधारे, मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे सभी नेताओं का जो जन पधारे हैं आप स्वागत भाषण देवे भाई मनोज कुमार जी मेघवाल आए और स्वागत भाषण दे भाई मनोज कुमार जी मेघवाल। सरकार का रहा है आज भी उसी तरह से कायम है, आप लोगों ने देखा है उन्होंने खुद किसी में बोला है कि आपके विधायक नहीं रहे अब, लेकिन हम लोग आपके विधायक की तरह काम करेंगे। आपके प्रभारी मंत्री भाटी जी हैं वो आपके विधायक की तरफ से काम करेंगे। आप लोगों की जो मांगे हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं रखी आपने 2 साल पहले 40,000 वोटों से उनको विधानसभा में भेजा था, हम लोग उन आशाओं को पूरी करेंगे, आपकी उम्मीदों को पूरा रखेंगे। आपके क्षेत्र की कोई कमी नहीं आने देंगे। आज का भी हाल हमें देखा है कि एक ही बार किस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा के सौगातें दी है, क्या क्या आपने घोषणाएं की है, क्या क्या जो सपने आपने रखे थे मंत्री जी के लिए, मास्टर जी के लिए, उस सारे के सारे पूरे करने के लिए उनके मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत आपके लिए तैयार है। आपके विधानसभा के निर्जात में चाहे कन्या महाराज की बात हो, चाहे 65 करोड़ रुपए का और भी इसकी बात हो, सड़कों की बात हो, कातर को स्पेशल बनाने की बात हो, और कोई बात हो, हर चीज जो आपने उठाई है उनका उन्होंने कहा। धन्यवाद। मनोज कमेटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पधारे और आप सबको संबोधित करें माननीय सचिन पायलट साहब। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, मुझे महात्मा जी प्रकाश साहब, डीडी कल्ला जी, बजेंद्र जाटव साहब, अगर केंद्र की सरकार उसके भविष्य को अंधेरे में ढकेलना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, हमारी सरकार ने विधानसभा के अंदर नए कानून पारित करे, लेकिन अभी इंतजार में है कि महामहिम गवर्नर महोदय कब उस पर अनुशंसा करेंगे। देश में आज किसान तकलीफ में है, जो मोदी सरकार जिसने जब शुरुआत में मोदी जी को यहाँ पर एनडीए में उम्मीदवार बनाया था देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से, कि जब सबसे पहले एनडीए में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो मोदी जी ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो वो किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया, जो भूमि अधिग्रहण कानून मैं समझता हूँ जो सर्वसम्मति से सभी मोदी जी ने कोई हिसाब किया, मैं कोई बात की और दोबारा जब आए तो अपने संघ उद्योगपति मित्रों को साथ लेकर के और किसान की जो उपज है उसको हड़पने का एक षड्यंत्र रचा और ये 3 काले कानून लेकर के आए।
ये जो तीनों काले कानून हैं, वो किसान को किसान नहीं रहने देंगे, मजदूर बना देंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज 100 दिन से ज्यादा समय से किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सुन नहीं रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की इस कानून को लाने की, जब किसी भी लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी राज्य की विधानसभा में जब ये मांग नहीं उठी कि किसान को ये तीन कानून चाहिए, तो मोदी जी ये तीन काले कानून किस लिए लेकर के आए? जब कानून लेकर के आए, उससे पहले अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने, पूंजीपति मोदी जी के मित्रों ने ये जो बड़े बड़े गोदाम बनाने कैसे शुरू कर दिए, ये सवाल है। आज राहुल गांधी जी राजस्थान की यात्रा पे आए थे, पंजाब में गए, हरियाणा में गए, ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपको इन तीनों कानूनों की मांग किसने की, आप किसान को परेशान कर रहे हो। इन प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अंतरान चला गया, क्योंकि जो कांग्रेस जिले में चौदह दिन पहले महामारी आई है, देश के अंदर जिले के अंदर पूरी दुनिया हिंदी खराब वापिस कैरियर की मोटर लगे तीन दिनों में लॉकडाउन वापस हो रहा है। हमने भी प्रश्न उठा कि केरल में और महाराष्ट्र के लोग आए तो उनको पहले पिछली बार एक पति पत्नी आए थे जयपुर के अंदर, एक केरल में आए थे, लेकिन दो तीन महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इतनी बीमारी फैल गई, 1,58,000 लोग मर गए देश के, 1,00,000 गाँव में इतना असर नहीं क्यों बना था, ये मेरे मन के एहसास फिर भी हमने इतना ध्यान रखा गवर्नमेंट का सामना प्रबंधन किया, राजस्थान ने बड़ा प्रबंधन निकाली दुनिया के लिए, मेरा मदर हो मेहमान हो कोई प्रश्न नहीं, सबको इधर फ्री किया, हमने बजट में घोषणा करी है तमाम लोगों का बीमा हो जाएगा 5,00,000 फ्री के अंदर, फ्री के अंदर हिंदुस्तान में पहला राज्य वाला देश में राजस्थान, सभी लोगों का जो छोटे किसान है उन सबका बीमा फ्री होगा। अब जो पैसे देने वाले होंगे वो खाली 850 रुपये देंगे, 850 रुपये प्रीमियम आता उनका आधा प्रीमियम सरकार देगी, तमाम प्रदेश राज्यों का 60 करोड़ से अधिक लोग सबका बीमा, बीमारी हरी बीमारी में उनको जाए अस्पताल में भर्ती होगा, 5,00,000 तक का खर्च और कोई इस प्रकार से बहुत लंबे जोड़े हमने अभी घोषणा करी है, आपने अखबार में पढ़ा होगा जो सुना दी मुझे जिसने दिया, आप किसी ने दिया हो, किसी ने दिया हो, आपको मुझे नहीं दिया हो, अपने कसर नहीं छोड़ी, जो मांगा मैंने दिया। आखिर मैं कहना चाहूंगा पिछली साल का, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब चुनाव में मैं पूछता था भाई एमएलए साहब खड़े होते थे कि भाई आपने जो मांग बातें मांगी है और मांगे की वो कमी रह गई क्या, उनके साथ कोई कमी नहीं रही, कोई मांगे मांगी या कोई मांग मांगी। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा पब्लिक का ध्यान रखा, संसाधन दिया, विकास की गंगा बहने का प्रयास किया, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, अभी भी हमने भरपूर घोषणाएं करी है। किसानों के लिए क्या किया, एक लंबी फहरिस्त है, आपको मालूम है कि किसान का अलग बजट की घोषणा करना एक बड़ी बात, अलग बजट आएगा, मालूम रहेगा हर व्यक्ति को सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। बिजली कंपनियों ने अलग बनी जा रही है, बार बार VCR भरो, किसानों के ऊपर आरोप लगाओ, किसान बिजली के बिल भरते नहीं है, चोरी करते हैं, अरे व्यापारी और इंडस्ट्री वाले चोरी करते हैं, किसान बनना होता है, हमने अलग से बनाओ उनके लिए कंपनी,
फोन नहीं कर दिया। कहने का मतलब है कि हमने जो आपको मैंने कहा पिछली सरकार ने जाते जाते 832 रुपये दे दिया आपको हर मंथ जाते जाते 10,000 रुपये पर मंत्री वर्ष कर दिए। वो कल चुनाव में आए थे कर दिए उन्होंने, हमारे मामले दूर हो गए थे। अभी बजट के अंदर हमने कहा हमारे कम बनाए गए जिसके मीटर लगे हुए हैं उन जो 10,000 है वो 12,000 रुपये मिलेंगे, प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा। ये हमने कहा ये आप सबकी भावना थी, आपकी मांगे थी, मुझे मालूम है आप सबकी भावनाओं का कृपया मॉनिटरिंग करें। तमाम गाँव में जिस दिन बजट पेश किया था उस दिन से मैंने करना शुरू कर दिया है। अब 4 सीट हम जीतते हैं लगेगा पैसे जाएगा, इस सरकार को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करो। वैसे तो पब्लिक आपके साथ खड़ी है, अगले 5 साल 3 साल बाद चुनाव आएंगे तब आप फैसला करना कि आपको किसको सत्ता में सौंपनी है। अभी तो सरकार हमारी है, जितनी ताकत आप हमें दोगे उसी ढंग से हम काम करेंगे, सक्षम बनेंगे। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इन बातों को आप समझते भी हो। उन्होंने लगी बोला मेघवाल नहीं रहे हैं, अचानक चले गए, हमेशा मैं उनसे बात होती थी तो अचानक ही चुप रहे हैं। सुन सकते हो कि एक परिवार दूर चले गए, बेटी और बाप चले गए, क्या बेटी है परिवार का बात हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है सब मिलकर के एकजुट हो गए, आने वाले चुनाव के अंदर भी आप कसरत चढ़ेंगे तो भारी बहुमत से आप कामयाब करेंगे कांग्रेस को। जो आप आए हो आज जिस रूप में महिला या पुरुष लगता है कि आज आपने फैसला करके आए हो, अगली बार चुनाव में उपचुनाव में कांग्रेस को कामयाब करेंगे भारी बहुमत से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फुसर राम गोदारा जी गुरु प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद है सभी का। आज के किसान सम्मेलन में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी AICC सम्मानीय अजय, देखिए किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में जिस दिन ये बिल पेश किया गया उस दिन से किसानों के समर्थन में और इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में किसानों के इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। मोदी जी जो 3 बिल लेकर के आए हैं तीनों ही किसान विरोधी हैं, और 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, सरकार को अपना जिद्दी रवैया छोड़ना चाहिए और किसानों से सकारात्मक वार्ता करके और किसानों के इन तीनों ही बिलों को वापस देना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जगह जगह किसानों के समर्थन में रैलियां कर रही है, पदयात्राएं हम कर रहे हैं। आज 2 जगह राजस्थान में बड़े किसान सम्मेलन हैं, एक हमारे यहाँ हुआ है, एक चित्तौड़ में है। आज यहाँ हमारे इस चूरू और बीकानेर की सीमा पर बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ लड़ाई जारी रखेगी और हर हालत में मोदी जी को ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। सुजानगढ़ की जनता क्या आशीर्वाद देगी आपको, क्योंकि आज का जो किसान सम्मेलन था उसके बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने मनोज मेघवाल को प्रोजेक्ट कर दिया है एज ए कैंडिडेट बाई इलेक्शन में। जो 45 साल से सुजानगढ़ की जनता ने मेरे पिताजी को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले उपचुनाव में भी वो जनता एक बार फिर कांग्रेस को साथ देगी। कांग्रेस को चुनाव में पिछली बार की तरह ही भारी वोटों से जीता कर भेजेगी। कांग्रेस के चेहरे पर मनोज मेघवाल प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी चयन का काम तो पार्टी का है, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कौन चुनाव लड़ने वाला है। ये जरूर है कि सुजानगढ़ी जनता कांग्रेस को उपचुनाव जिताने के लिए तैयार है।